इस फोटो में आप देखोगे तो दिख रहा है कि कम्युनिटी की रेलगाड़ी ऊपर चढ़ रही है और वो पुल तोड़ रहे हैं डेवलपमेंट करने वाले तो इसमें ये दर्शाया गया है कि जब भी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं तो वो कम्युनिटी सेंटर को पीपल सेंटर को सो द आंसर हेयर वुड बी ऑप्शन नंबर सी इस सेकेंड फोटो में कोलेजन uh, गवर्नमेंट दिखाई हुई है कोलेजन गवर्नमेंट के जो लीडर हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बीच में बैठे हुए हैं और सीट पे लगे हुए हैं बॉम्ब बॉम्ब में बाकी कोलेजन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स हैं गॉबलेट पे भी कोलेजन गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो इसमें यह दर्शाया हुआ है कि कोलिशन काफ़ी दिखने में आसान है लेकिन आसान होता नहीं है राइट आंसर वुड बी ए थर्ड फोटो में दो पाईचार्ट दिखे हुए हैं उस चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि फॉरेस्ट का जो लैंड है हमारे पास कम होता जा रहा है ओवर द ईयर्स अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं लैंड एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए भी चाहिए सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी इन दिस फोर्थ फोटो हमें दिख रहा है कि सेंटर के मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट के मिनिस्टर्स को भी की तरह पावर दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आंसर लेकिन ऑप्शन नंबर बी तो इस पिक्चर की एक तरीके से एक्सप्लेनेशन हो गई हमें सिग्निफिकेंस बताना है सिग्निफिकेंस ये है कि सेंटर जो है फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर रहा है स्टेट की पावर्स को अंडरमाइन कर रहा है सो द राइट आंसर वुड भी ऑप्शन नंबर सी इस फिफ्थ फोटो में आपको नेपोलियन दिख रहा है नेपोलियन ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी ऐसी ही एक लड़ाई थी लड़ाई थी सॉरी बैटल ऑफ लिप्सिक जो उसने एटीन थर्टीन में लड़ी थी जिसमें वो अपनी काफ़ी टेरिटरीज हार गया था तो इसमें वो दिखाया गया है पोस्ट की तरह जो अपने खत जो है पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है अपने ये सिक्स फोटो एक्चुअली एक पेंटिंग है जो डेला क्रॉइक्स ने बनाई थी इस पेंटिंग का नाम है द मैसेकेर चिओस एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर ने काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ ग्रीक लोगों को चिओस uh, में मार गिराया था 1822 में ये पेंटिंग उसका रिप्रेजेंटेटिव है। uh, इस बैटल के बारे में आपको पढ़ना नहीं है दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस ये सेवंथ फोटो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको एक कार दिख रही है जिसके पास दो स्टेयरिंग व्हील है एक्चुअली यहाँ पे दिखाया हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट आंसर इज डी कोलेशन गवर्नमेंट में काफी सारे लोगों के ओपिनियंस होते हैं मिक्सड और इसी मिक्सड ओपिनियन okay. से सरकार को चलाना काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर थोड़े और पिछले भी क्वेश्चन करते हैं लेकिन उससे पहले थोड़े मैप्स कर लेते हैं यार uh, इस मैप का आंसर है नागार्जुन सागर डैम जो कि आपका कर्नाटका में है इस मैप में आप देख रहे हो तेरी डैम जो कि आपका उत्तराखंड में है इन दिस थर्ड मैप क्वेश्चन यहाँ पे जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर बंगाल होता है तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर एंड इन दिस क्वेश्चन शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर उत्र, उत्तर उत्तर प्रदेश होता है तो ऑप्शन बी इज द आंसर इस मैप में व्हाइट स्प्रेड सॉइल पूछा हुआ है दैट इज ऑप्शन ए एलिवियर सॉइल अब इस फोटो पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इस फोटो से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जमीन पे दिख रहा है यहाँ पे वो रेमिनेंट्स uh, है एब्सोल्यूट मोनार्की के क्योंकि राजा के राजपाट के एक्चुअली uh, कुछ साइंस दिखे हुए हैं थोड़े से क्राउन्स दिखे हुए हैं सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर इन दिस लास्ट फोटो हमें कंजर्वेटिव रेजीम की ऑटोक्रेसी दिख रही है क्योंकि कंजर्वेटिव रेजीम जो है किसी को अपने अगेंस्ट बोलने नहीं देता था क्रिटिसिज्म और डिसेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे सो द राइट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर ए So, this was it. Thank you so much. And don't forget to share it with your friends and like the video if you really liked it. See you.